ये देखो भाई रास्ता नारकंडा से जस्ट 200 मीटर अवे। तू चढ़ा के देख, मैं हटाऊं फिर तू चढ़ाई आगे देख, आगे जाके देख आगे ना चढ़ाऊं फिर आगे लग जाएगी ना पूरी। ओके फायदा जे होया ना पर्चा 18 लाख की गाड़ी पे। पर ये तो बहुत मोटी मोटी है यार, ये तो नाली में आते होगा। अब नाली है क्या? ओ हो छोटी गंगा बोल के नाली में कूदा दिया। जय श्री राम भाई और जय बजरंग बली। इससे पहले भाई हम लोग अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके गए थे मनाली, फिर उसके बाद में शिशु लेके गए, वहाँ पे भी हमने खूब इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग वगैरह की थी। अब इस गाड़ी से क्या है, हम एक एक्सट्रीम करने की सोच रहे हैं। इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं हम स्पीति काजा जो रहता है ना अपना पिन वैली, तो वहाँ पे क्या है भाई पूरा एक्सट्रीम रहेगा, टेम्परेचर बिल्कुल कम में रहता है। ऊपर से भाई मेन चीज़ क्या है 4x2 हमने लेके आ रखी है और एक 4x4 भी भाई हमने नहीं निकलवा ली, बदरा साहब ने निकलवाई है 4x4, क्योंकि एक गाड़ी को खींचने के लिए भाई कम से कम एक टैकल करने के लिए ना 4x4 गाड़ी होनी चाहिए, इस वजह से लिए आए हैं। और ये अपना एपिसोड 1 है। आज के एपिसोड में हम लोग अपने घर से लेके नारकंडा स्टे करेंगे और फिलहाल मैं भाई नारकंडा आ रहा हूँ। नारकंडा की मैंने वीडियो स्टार्ट करी है। यहाँ पे भी देखो रात को स्नोफॉल हुई है, देखो गाड़ी के ऊपर में पूरी बर्फ ही बर्फ सी पड़ी है, ये पर कम हुई है, यूँ है हुई है। कल भी हो रही थी हमारे रास्ते में और आगे जाएंगे तो आगे भी हो सकता है हमें स्नोफॉल मिले। हम लोग ना बिल्कुल निकल ही चुके थे भाई, पर एंड टाइम पे जाके यहाँ से 10 किलोमीटर बाद जाने के बाद में एकदम याद आई, ओ भाई स्नो चैन तो लेके ही नहीं आए। भाई ये सीन रहता है, यहाँ तो गाड़ी में चले जाएंगे 5 जने, मन की बात है, फिर यहाँ फिर जाएंगे गाड़ी में 2 ही जने। नंबर लग रहा है तेरी कसम। आप देखो 2 जने तो उस थार के अंदर में जाने लग रहे हैं और वही बंदे हैं जो हमारे साथ हमेशा गए। ये भाई अलोए की बात करने लग रहे हैं, अलोए कैसे लग रहे हैं। अब देखो जब हम पहले गए थे मनाली वहाँ 5 जने चले गए गाड़ी में, अब 2 इसमें और 2 जने थार में। अब जाएंगे अपने विंटर स्पीति और मारेंगे बढ़िया बढ़िया, मजा आ जाएगा पूरे। रास्ता बनाने खातिर लेके आए ये भाई, मेन तो हम इसलिए लेके आए रास्ता बनाने के लिए। और ये आज तारीख है ना, इससे 2 दिन पहले निकलवाई ये थार। चंडीगढ़ एंटर होते के साथ ना भाई जो शेड वेड है या कुछ भी ताम झाम आप लोगों ने लगा रखा है ना, तो उसको उतार लेना, वरना भाई यहाँ पे चलान कटेगा ही कटेगा। अभी वैष्णो देवी आए थे तभी भी हमारा चलान कटा, और जो लद्दाख गए थे तभी भी हमारा चलान कटा, और दोनों बारी ना शेड पे कटा है ये। और फिर कुछ बाहर के नंबर गाड़ी हो जाती है, इस वजह से चलान काटते हैं ये। स्कॉर्पियन के तो भाई बहुत मजे ले लिए, आज पहली बार इतने लंबे रूट पे थार चला रहा हूँ। अब इसको देखते हुए कैसे चलते हैं। पहला तो यही लग रहा है, थोड़ी सी भीची भीची सी महसूस हो रही है। जितना मजा स्कॉर्पियन में है ना उतना मजा इसमें भी भाई, बाकी फिर जो ओनर है उसी को बताएंगे कैसी है चलने में। अभी खाना पीना खाने के लिए रुके थे यहाँ पे, अब आगे चल दिए। बीच में हमें तो कहीं किसान विसान मिले हैं नहीं, अब आगे मिल सके कुछ। बॉर्डर क्रॉस हो गए ना, पंजाब एंटर हो गए भाई, सब तो कोई किसान विसान का सिस्टम ही नहीं है, तो सीधा शिमला ही है। यहाँ से हमने हिमाचल प्रदेश को एंटर कर लिया है और कंपैरेटिवली मनाली से भाई जो ये शिमला वाला रोड है ना, फिलहाल तक में तो मेरे को ये सही लगा, थोड़ा खाली सा है। जो मनाली वाला रोड है ना उसमें धूल मिट्टी सी और मतलब अजीब ढंग सा है। यहाँ के पहाड़ से मेरे को अलग लग रहे हैं, पहाड़ तो खैर वही है पर कुछ अलग सी फील है उस वाले रोड से। यहाँ तो गाड़ियाँ बार जा जाके इस वजह से दिक्कत आ रही है। यहाँ हमारी गाड़ी चेंज हो गई है, यहाँ गाड़ी चेंज हो गई इस वजह से दिक्कत आ रही है, पर उनसे मेरे को ये सही लग रहे हैं। जो शिमला वाले पहाड़ है ना, देखो जो अपने मनाली वाले पहाड़ थे वो तो थे यूँ बिल्कुल आराम से सीधे सीधे चढ़ रहे थे, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो ये वाले पहाड़ है ना, इनमें जो घुमाव ज्यादा है और एकदम से चढ़ने लग रहे हैं ये। अब ये देखो भाई गाड़ी ना अपनी दूसरी वाली आगे खड़ी हुई थी, तो थार के स्कॉर्पियो के यही मजे हैं, बस यूँ साइड में लटको और आगे तक में चले जाओ। और बाइक के गले में दर्द हो रहा था, कई दिनों से दर्द हो रहा है इसके, क्योंकि रात को जाता है ये बिना पैसे, फिर रात को पैसे ले आते, फिर सुबह फिर मेरे गले में दर्द है। और हमारे को समझ में नहीं आती क्या करवा के आते हैं क्या करके आते हैं। शिमला से 11 किलोमीटर दूर है और जितना भी हम चल के आए हैं ना अभी तक में पूरा चंडीगढ़ से यहाँ शिमला इस वाले रूट पे रोड पे, तो इस पे ना भाई इतना कोई ट्रैफिक नहीं है। जितना अपने मनाली साइड पे जाते हैं ना वहाँ पे क्या रहता है पूरा भीड़ भाड़ सी रहती है, पर ये तो ऐसा लग रहा है कोई टूरिस्ट ही नहीं जा रहे हैं, हम ही 2-4 जने जो पागल होके वैसे ही जा रहे हैं वही जा रहे हैं। और ऊपर जाके मेरे को लगता है भाई कोई टूरिस्ट मिलेगा शिमला में। अभी ये चक्कर भी हो सकता है क्योंकि देखो वो चल रही है ना अभी मार्च चल रहा है, बच्चों के पेपर हैं, तो इस वजह से। और खाली फोकट हमारे जैसे वो तो थोड़े बहुत देखो मिलेंगे ही, जो नई गाड़ी लेके आते हैं इस बतरा भाई जैसे, और फिर उस साइड में बैठे रहते चलाने को भी नहीं मिलता, तो वो ही मिलेंगे हमारे लिए। दोस्ती पहले है ना, गाड़ी को भी देखी जाओगे। बढ़ भाई बैठ 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 बंद बैठ। तेरा तो कड़ा में कहीं और ही कट जाएगा रिजल्ट। शिमला अब अपना यहाँ से रह रहा है करीबन 9 किलोमीटर दूर। अब थोड़ी देर रुके थे। अपनी जो नारकंडा वाली डेस्टिनेशन है ना, वो भाई करीबन यहाँ से है 60 किलोमीटर दूर। तो 60 किलोमीटर हम पहुँच जाएंगे 5 बजे। सुबह 6:30 बजे चले थे अपने मानेसर से और 2:26 पे 2:30 बजे एग्जैक्टली हम शिमला में एंटर कर चुके हैं। और बर्फ वगैरह तो भाई यहाँ पे कुछ है नहीं और ना ही शायद यहाँ पे पड़ी। टेम्परेचर भी इतना कुछ ज्यादा नहीं है। बर्फ पानी बारिश आ गई शायद आ गई तो ऊपर स्नोफॉल हो रही है मान लो। भाई अलर्ट भी दिखा रहे थे 1-2 दिन का, पता नहीं कौन सी तारीख का दिखा रहे थे कि स्नोफॉल होएगी, पर अभी तक तो कुछ में है नहीं। और ये देखो ये शिमला ही है पूरा। बस माल रोड से आगे की तरफ में निकलनी है। और जैसे आप शिमला से नारकंडा जाते हो ना, तो यहाँ से किलोमीटर रह जाता है 60, 1 घंटे 57 मिनट का। और ये कुफरी से आगे की तरफ में पड़ता है नारकंडा। नारकंडा ना अभी यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। और रोड के ऊपर में तो देखो बारिश सी गिर रखी है। अभी जो भी गाड़ियाँ आ रही थी ना अपने को क्रॉस करने लग रही थी, उन पे भी बारिश की बूंदें दिखने लग रही है। तो आगे की तरफ में हो सकता है कि भाई बारिश ही हो रही हो। और बारिश हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो भाई स्नोफॉल हो सकती है। और ऊपर भी ना हमने स्पीति में बात करी थी, अभी एक जा रखा है एक दोस्त, तो वो कह रहा था कि स्पीति में भी मौसम अच्छा हो रखा है। तो भाई देखो मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और भाई वो थार चलाने के बाद में भी स्कॉर्पियो चलाई ना। थार ना करीबन मैं 2-3 घंटे चला रहा था। अब उसके बाद में स्कॉर्पियो पे आया हूँ। स्कॉर्पियो पे आने के बाद सब कुछ एक तो बहुत ज़्यादा खुला खुला सा लग रहा है और स्टेयरिंग व्हील एकदम लाइट सा लग रहा है। पावर सी महसूस हो रही है गाड़ी के अंदर में। पर वही चीज़ यार, वो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग व्हीकल है, ये इतना प्योर ऑफ रोडिंग व्हीकल नहीं है, इस वजह से चीज़ें हैं। अभी हम लोग नारकंडा भी नहीं पहुंचे और नारकंडा से पहले ही यहाँ पे स्नोफॉल पड़ी हुई है। और स्नोफॉल ये ऐसी नहीं है बासी वाली, ये भी ताज़ा ताज़ा पड़ी है। वैसे यूँ लगा लो हमारे से सुबह पड़ी होगी, अब शाम से होगी, इस वजह से आए हैं। गाड़ियाँ जो यहाँ पे खड़ी है ना वो कवर सी खड़ी है स्नोफॉल में। तो देखो भगवान ने चाहिए तो कल हमें भी स्नोफॉल मिल जाएगी। और जो ये वाली स्नो हम देखते आ रहे हैं ना, ये भाई कई देर पहले से ही देखते आ रहे हैं। देखो ले ले दूसरा बुरा करेगा नहीं, यही बुरा आएगा। देखो तो झोटी खोल दी सारे। देखो ये गाड़ियाँ पे गाड़ी ऊपर में पड़ी है ये, और ये अभी सीखी पड़ी है तो इस वजह से है। और टेम्परेचर साइड हो गई कहाँ ये रो गाड़ी। देखो भाई बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सी पड़ी है ये, पर ये तो बहुत मोटी मोटी है यार। ये तो नाली में आते होगा। अब नाली है क्या? ओ हो छोटी गंगा बोल के नाली में कूदा दिया। ये तो वही सीन है। और भाई ठंड हो रही है बढ़िया। गाड़ी में तो ऐसे कुछ खास पता नहीं चल रहा था, पर बाहर जैसे उतरे ना तो तापमान में थोड़ी सी गिरावट सी महसूस हो रही है। ओह माय गॉड, तुझे तो वेदर चैनल में होना चाहिए था। बाकी बादल साफ है यार, बादल साफ है। कहाँ बार बर्फ आओगी? ऐसा बादल हम ना आओ बर्फ। और ये थार, ये अपनी स्कॉर्पियन। आज तक बेचारे ने काली बर्फ मिली है ना, तो सारी बर्फ ने काली ही करने लग रहे हैं। अगर किसी के लंगूर के हाथ में अंगूर हाथ लग जाए ना, तो देखो ये चीज होती है। अब ये फोन वीडियो में ना पता नहीं चल रहा, पर ये थार बहुत ऊपर चढ़ा दी इन्होंने। ये देखो भाई बस 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 बस, मतलब कुछ बन रही है बात, कुछ अलग हो है, मजा आया कुछ। तू चढ़ा के देख, मैं हटाऊं फिर तू चढ़ाई आगे ना चढ़ाऊं फिर, आगे लग जाएगी ना पूरी गाड़ी। अपनी यहीं पे लगा ली है भाई दोनों की दोनों। और यहाँ पे बनाने लग रहे हैं मैगी, क्योंकि ठंड होने लगी है अब तगड़ी वाली। और फिर पहाड़ों में आके यार थोड़ा सा धंधा भी चौपट करना है ना यहाँ पे, तो अपनी खुद की मैगी लिया है। अब लाके बढ़िया मैगी बनाएंगे। देखो धंधा चौपट वाली बात नहीं है, ये ब्यूटेन ना थोड़ी बहुत देर ही चलेगी, ऊपर जाकर ये वैसे बंद हो जाएगी। ज़्यादा माइनस से टेम्परेचर होएगा तो माइनस में क्या जीरो में बंद हो जाएगी, जीरो से आगे चलनी बंद हो जाएगी फिर ये। तो जब तक चल रही है तब तक तो उन्हें मैगी सूप पी लें। पर वही है, आधी चीज़ लाते हैं आधी चीज़ नहीं लाते। अब की बार मैगी वैगी लिया है तो डिस्पोजल नहीं लाए। जैसे हम लद्दाख गए थे ना, तब भी यही सीन था। बीच में अगर कुर्सी खोली, फिर जैसे उससे आगे बढ़े फिर सबकी हालत टाइट होगी। मेरे ख्याल से वैसे अभी यहाँ लास्ट बारी खुल ऐसा मत बोले भाई, ऐसा मत बोले। सिस्टम खोल ली थी लास्ट कुर्सी और फिर उस आगे सबकी हालत टाइट होंगे यार। जब भी वही जोश आक्रोश था, अब वो भी वही जोश आक्रोश अब है। अब नारकंडा ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर 10 हम होंगे कामयाब। नारकंडा फाइनली पहुंच गए, 5:30 बजे पहुंचे। देखो घर से हम निकले थे 6:30 बजे, तो वही 11 घंटे का लगा लो, 11 घंटे में हम रुके भी हैं, मतलब लगा लो 2 बार रुके हैं, बीच में मैगी बनाई है, बस वही ब्रेक है। अगर आप वही नॉन स्टॉप से आओगे तो 10 घंटे में आसानी से पहुंच जाओगे। एक गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी अपनी, एक अपनी यहाँ पे खड़ी है, बाकी बर्फ बर्फ का बस ऐसे है। रील भेज रहा शेयर एंड कमेंट भाई। चलो देख लेते हैं रूम वूम और कुछ। अभी देखो यहाँ पे नहीं पता क्या सीन है, मार्केट से सारी बंद सी है क्योंकि बिल्कुल ही ऑफ सीजन हो लिया। बालक बच्चों किसी की छुट्टी है नहीं तो कौन ही आएगा यार, अब सब कुछ बंद सा ही है। तो खाना भी ऐसा गंद सा ही मिलेगा, तो सोच रहे हैं खुद की सब्जी वब्जी लेके उसका खाना बना ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यो कहाँ है रास्ता में है। हाँ तो वहीं तो जाऊँगा, 2 किलोमीटर दूर जाऊँगा, कहीं चुमलिंगला पुमलिंगला ना, फिर कहीं वो रूमलिंगला पुमलिंगला कौन सी जगह जाएंगे पता नहीं। एक तो नाम भी ऐसे रहते उमलिमला टुमलिमला, ध्यान भी ना रहा हमारे तो। और भाई अपनी स्कॉर्पियो ना लग बड़ी तगड़ी रही है, बहुत अच्छा डिसीजन करा है। ब्लैक अलॉय करा के, ब्लैक नहीं गन मेटल ग्रे से करा के और रेड कैलिबर करा के, मतलब अलग डिफरेंट सी लुक आ गई। पहले इससे पहले तो कंपनी वाली सी लग रही थी। ये देखो भाई रास्ता नारकंडा से जस्ट 200 मीटर अवे, मतलब नारकंडा ऐसी है ना जगह सर, यहाँ अगर मौसम खराब हो गया विंटर में तो स्नो ही होती है, डायरेक्ट बारिश नहीं होती है। ये रोड कुछ नीचे की तरफ में आ रहा था, अब कहाँ से बताऊँ भाई कहाँ से क्या आ रहा था, पर बड़ा भीड़ा सा रोड था। जैसे शिशु में था ना, तो गाड़ी अपने यहाँ पे पार्क कर दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और जो नारकंडा है ना भाई बिल्कुल ही खाली बड़ा है, बिल्कुल ही स्पिति पिपिति कहीं कुछ नहीं मिलेगा, सब जगह खाली है। वो अब मैं मंगा दूं फिर ओल्ड मॉम की बोल। अरे नहीं भाई पीते नहीं हम, ये तो जंगल खा रहे हैं जंगल 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 का मतलब। तो भाई बस अब यहाँ पहुंच के अब कल का तो प्लान आप लोग को बता ही दिया। बस अब कल से जो है अपनी मेन ट्रिप की शुरुआत होगी। यहाँ तक तो यूं है वैसे एक रोड था और रोड आपको दिखा दिया कैसे आए कैसे नहीं आए, बस वही है। मेन ट्रिप की शुरुआत होगी कल वाले ब्लॉग से, और कल वाले ब्लॉग से आप लोग को मजा आएगा जब आप लोग को दिखाएंगे बढ़िया वाली ऑफ रोडिंग और 4x2, 4x4 दोनों है, स्नोचन, मतलब कल वाली सीरीज से ज्यादा मजा आएगा आप लोग। और गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे ना तो यार एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। बाकी आप जो बुरा लगे अच्छा नहीं लगे जो देखना चाह रहे हो कमेंट करके मेरे को बता देना, बाकी आप लोग की मर्जी। जय श्री राम, जय वैष्णो देवी।